Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Excellence Online mein khush aamdeed. This is Mohammad Saud, lecturer in mathematics, Bahria College, Karsaz. Students, जैसे कि आपको मालूम है कि एक्सेलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड का पूरा सिलेबस ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। इसके हवाले से मैंने चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया था पहले, उसके बाद 3.1 पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराई थी। आज मैं अपने नए वीडियो लेक्चर के साथ 3.2 का सोल्यूशन लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम देखेंगे कि 3.2 एक्सरसाइज में जो सवाल है, ये टॉपिक है, उसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा। इसमें कहा जा रहा है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो पहले सवाल की जाने पड़ते यहां पर जनाब, 6x² माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल मिले तो इसको इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लें। अब जनरल फॉर्म क्या होगी? इट इज ऑफ द फॉर्म, ये इस शक्ल में है जनरल फॉर्म, ax² प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करें, x² से मिल रहा है, a की वैल्यू क्या होगी? 6 कोफिशियंट है। x से मिल रहा है, b की कीमत -5 हो गई। c कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट -4 के बराबर है, c इज इक्वल टू -4। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में QF लिखूंगा। अब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a। abc की वैल्यूज मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा और सिंप्लीफाई करता हूं। तो जनाब, x इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a 6 के बराबर है और c -4 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, x इज इक्वल टू प्लस का 5 प्लस माइनस, स्क्वायर से माइनस प्लस बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब आपने जनाब मल्टीप्लाई करना है माइनस माइनस प्लस, 4, 6 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट देगा 96 डिवाइडेड बाय 2, 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड कर लें, 6, 5, 11, 1, 10, 10 और 2, 12, 121 डिवाइड बाय 12, 121 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है 11। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 11 ओवर 12। बेटा इसको आइदर करें आप, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, x इज इक्वल टू 5 प्लस 11 ओवर 12, x इज इक्वल टू 5 माइनस 11 ओवर 12। सिंप्लीफाई करते हैं, 11 प्लस 5 16 ओवर 12, 4 के टेबल से कैंसिलेशन करें, 4 3 12, 4 4 16, नाउ x बिकम्स टू 4 ओवर 3
यहां पे देखें 5 माइनस 11 माइनस 6 हो जाएगा ओवर 12 6 वन जा 6 6 टू जा 12 नाउ x बिकम्स टू माइनस 1 ओवर 2 और बेटे सॉल्यूशन लिखेंगे सेट तो s डॉट s यहां पे हो जाएगा 4 ओवर 3 कॉमा माइनस 1 ओवर 2 और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। यहां पर आपको सवाल नजर आ रहा है 1 ओवर 3 फ्रैक्शन में p स्क्वायर वेरिएबल है माइनस 1 ओवर 2 p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 3 और 2 इसका एलसीएम आएगा 6 तो आप पहले इसका एलसीएम लेके इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लेके आइए 6 इसका आ गया एलसीएम 3 से कैंसिल आउट गया 3 2 जा 6 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया 2p स्क्वायर माइनस 2 को 6 से डिवाइड किया 3 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 3p प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट तो 6 इज इक्वल टू 0 6 डिवाइड कर रहा है 0 से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा इसको अरेंज फॉर्म में लिख ले 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 0 अब इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करें अब p वेरिएबल है तो हम क्या लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ये इस सूरत में है a p स्क्वायर प्लस b p प्लस c इज इक्वल टू 0 कंपेयर करें a की वैल्यू यहां पे आ जाएगी आपके पास 2 b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 6 अब क्या करेंगे आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा जिस वेरिएबल में आपको सवाल दिया जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपने उसी वेरिएबल में इस्तेमाल करना है यहां पे वेरिएबल क्या है पी तो मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा फॉर्मूले में पी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a अब ये वैल्यूज यहां पुट करके सिंपलीफाई करूंगा तो p इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 3 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac 2 और 6 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a 2 p इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर से माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 6 जा 48 डिवाइडेड बाय 4 पी इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 48 जो है वो माइनस का 39 होगा डिवाइडेड बाय 4 39 का रूट नहीं निकलता इसको आप ऐसे रखेंगे मगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन जब भी आएगा माइनस हटा के बाहर आयोटा लगा देंगे तो पी की वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस आयोटा रूट 39 डिवाइडेड बाय 4 अब इसको कंबाइनली आपने सॉल्यूशन सेट फॉर्म में लिख देना है 3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 39 ओवर 4 और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 इसमें वेरिएबल आपको दिया हुआ है x इसकी जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे मैं लिख रहा हूं इट इज of the form ये इस शक्ल में है ax square
प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कंपेरिजन करके वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू एल के बराबर हो जाएगी, बी की वैल्यू एल प्लस एम, सी की वैल्यू एम। बेटा यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वेरिएबल एक्स है तो एक्स के लिए ऐसे लिखूंगा मैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ऑफ ए। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करूंगा तो देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एल प्लस एम प्लस माइनस अंडर रूट एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए एल के बराबर है और सी एम के बराबर है, डिवाइडेड बाय टू ऑफ ए टू एल। बेटा एक्स इज इक्वल टू माइनस एल प्लस एम प्लस माइनस, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करूंगा तो एल स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस एम स्क्वायर माइनस फोर एल एम डिवाइडेड बाय टू एल। एक्स इज इक्वल टू माइनस एल प्लस एम प्लस माइनस अंडर रूट, ये बन जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में एल स्क्वायर, बेटा ये टू एल एम में से माइनस करेंगे फोर एल एम, तो माइनस का टू एल एम प्लस का एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एल। बेटा हम यू करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस एल प्लस एम प्लस माइनस, इसको मैं फॉर्मूले के अंदर बंद कर दूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एल माइनस एम का स्क्वायर। फायदा ये होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड बाय टू एल, ये रूट कैंसिल हो गया ये बाहर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस एल प्लस एम प्लस माइनस एल माइनस एम डिवाइडेड बाय टू एल। बेटा इसको आइदर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर लिख रहा हूं मैं आइदर, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ, यहां पे सिंप्लीफाई करता हूं, पहले मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं माइनस का एल माइनस का एम, और एक दफा प्लस में ले लूंगा तो प्लस का एल और माइनस का एम डिवाइडेड बाय टू एल। यहाँ पे प्लस का एल माइनस का एल कैंसिल आउट, माइनस एम माइनस एम माइनस टू एम हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एम डिवाइडेड बाय टू एल, टू से टू कैंसिल, एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस एम ओवर एल। अच्छा भाई अब दोबारा माइनस के लिए करेंगे तो एक्स बिकम्स टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एल माइनस का एम, और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का एल और माइनस माइनस प्लस एम हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू एल। यहाँ पे प्लस का एम माइनस का एम कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का एल और माइनस का एल माइनस का टू एल हो जाएगा डिवाइड बाय टू एल, टू एल से टू एल कैंसिल, एक्स की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी बेटे, और अब आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट आएगा माइनस वन कॉमा माइनस एम ओवर एल रिक्वायर्ड आंसर। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर अख्तिताम पजीर होता है। आज के लेक्चर में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक से 3.2 एक्सरसाइज के शुरू के तीन सवाल सॉल्व कराए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जब तक के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन देखते रहेगा।
अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।